डर रही थी पता नहीं क्या होगा ऑपरेशन के बाद क्या नहीं। अब जितना डर रहे थे उतना दर्द है नहीं उतना नहीं है। डर लगता था मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। मैं मरीजों से बात करती हूँ तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि बेसिकली कि एक्चुअल में क्या डर लगता है, क्या अंदर से क्या फीलिंग आती है कि हम बीमारी को पाल रहे होते हैं और हम उससे नहीं डरते हैं और हम सिर्फ इलाज से डरते हैं कि ऑपरेशन से डरते हैं। क्या डर लगता है ऑपरेशन से? उसका क्या डर लगता है ये बताओ। यही वही कट लगेगा और दर्द होगा वही सोच लेते हैं मन में, बाद में क्या होगा ऑपरेशन के बाद में। अच्छा तो अब ये बताओ क्या लग रहा था, वो सही था क्या? नहीं नहीं कट लगा आपके? कट लगा है। कितना? जितना आप सोच रहे थे उतना ही लगा? उससे कम लगा है। छेद बनाए केवल, उसमें दर्द कितना आ गया? कम ही है, इतना नहीं है। अब जितना डर रहे थे उतना दर्द है नहीं उतना नहीं है। तो अब बताओ डर डर के ऑपरेशन को टालना चाहिए या करा लेना चाहिए? नहीं करा लेना चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई अभी बीमारी बढ़ाओ मत और जल्द से जल्द अपना इलाज करवाओ। ऑपरेशन से डरे नहीं? डरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑपरेशन में जितना आप डर रहे थे उतना कुछ है नहीं? नहीं बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको चलने फिरने में कोई परेशानी हो रही है? कम्फर्टेबल कम्फर्टेबल है। आज कौन सा दूसरा दिन है ऑपरेशन का? हाँ दूसरे दिन आप बिल्कुल आराम से कुछ खा लिया पी लिया आराम से? हाँ बिस्किट ले लिए मैंने, चाय बिस्किट ली, लैट्रिन हो गई आराम से, आराम से हो गई लैट्रिन हो गई सब फिटर। मतलब डर तो सब मिथ्या है। सच्चाई है कि इलाज को करा लेना चाहिए, बीमारी को पालने से फायदा नहीं होगा। डर रही थी पता नहीं क्या होगा ऑपरेशन के बाद क्या नहीं, लेकिन अब बिल्कुल सही है। ऑपरेशन के दौरान आपको पता चला कि ऑपरेशन? नहीं बिल्कुल ही फील ही नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। ये जनरल एनेस्थीसिया देके ऑपरेशन करते तो पता भी नहीं चला? नहीं नहीं पता ही नहीं चला मुझे तो कि मेरा ऑपरेशन हो चुका। चलो बढ़िया है। तो जैसे कि इन्होंने भी अपना बच्चेदानी का ऑपरेशन करा के ये फील कर रहे हैं कि बहुत जल्दी करा लेना चाहिए था, 2 साल नहीं पालना चाहिए था। नहीं सही, ऐसे सबको एक ही राय है बीमारी को पाल लो मत, उसका तुरंत इलाज करा लो। क्योंकि ऑपरेशन के अब जो दूरबीन से जो सुविधा है उसमें कोई चीरफाड़ है ही नहीं, छोटे छेद बनाकर ऑपरेशन हो रहा है, 2 दिन में छुट्टी हो जाती है अस्पताल से, दिक्कत। अब आपको परहेज नहीं है किसी प्रकार का, नॉर्मल आपका नहाना धोना खाना पीना घूमना फिरना अलाउड है। आप सीढ़ियां उतर चढ़ सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, दही दूध छाछ खा सकते हैं, खट्टी चीजें भी खा सकते हैं, नॉर्मल फ्रूट सारे खा सकते हैं, जो भी सीजन के आ रहे हैं ताजा फल आ रहे हैं वो खाने, दिन में 1 या 2 बार पपीता वगैरह। पपीता खा सकते हैं लेकिन कम खाना है क्योंकि पपीता से किसी किसी को उल्टियां होती है। अच्छा तो पपीता कम खाइए, पका हुआ पपीता खाइए एकदम फ्रेश वाला जी, ज्यादा नहीं खाइए। ठीक है। बाकी नॉर्मल जो फल आ रहे हैं फ्रूट आ रहे हैं वो खा सकते हैं, 1 ग्लास जूस पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, पानी वानी सब ले सकते हैं। दलिया खिचड़ी कम खाना है जी, वेजिटेबल दलिया, वेजिटेबल उपमा और वेजिटेबल खिचड़ी, प्लेन कुछ नहीं खाना है, सब में सब्जियां डाल के मसाला डाल के खाना है। नॉर्मल नमक मिर्च नमक डाल लीजिए और जो कुछ मसाला डालना है वो डाल लीजिए। ठीक है जी। फिर 7 से 10 दिन के बाद आके दिखाना है। ओके 7 से 10 दिन के बीच में एक बार जब भी आए। ठीक है जी। ओके।